अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हजरात की खिदमत में नाज़रीन हाज़िर है फिर से एक ऐसी वीडियो लेकर और एक ऐसा कुदरती जड़ी बूटी का देसी नुस्खा कि जो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक कर देगा और इसके अलावा ये मौत छोड़कर हर बीमारी पर काम आने वाला नुस्खा है, यानी हज़ार बीमारियों की वाहिद एक दवा मैं आपके सामने लाया हूँ जिसको कहते हैं कलौंजी। कलौंजी के ताल्लुक से तिब्बे नबी भी बहुत सारी किताबों के अंदर इसका तिब्बे नबी के अंदर भी जिक्र आया है और इसके ताल्लुक से अहादीस मुबारक भी है कि ये मौत के अलावा हर बीमारी के लिए काफ़ी है और मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। तो नाज़रीन इसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग मुख्तलिफ किस्म का इसका तरीका होता है, बीमारी के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बवासीर वाले हजरात को शहद के अंदर इसको लिया जाता है और जैसे जिनको बादी बवासीर होती है तो इसको नीम गर्म पानी के साथ में लिया जाता है, लेकिन जिनको पुरानी खांसी है तो उसका इस्तेमाल ये कैसे करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके सामने आज की इस वीडियो में इसका मैं डिटेल रखूँगा। इस तरफ चलने से पहले और कलौंजी की मिकदार आपको कितनी लेना है इसको ज़ाहिर करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि अभी मामला चारों तरफ जो हम महामारी के दौर से गुज़र रहे हैं, कोरोना काल का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हर किसी न किसी के घर पे खांसी वाले हजरात मौजूद है, तो सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि हर घर में ये फार्मूला इस्तेमाल अगरचे हो जाए तो वो खांसी जैसी मर्ज से दूर रह सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी की कलौंजी ख़रीद कर लाना है 100 ग्राम, और 100 ग्राम लाने के बाद में इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के इसको किसी टाइट जार में आप महफूज कर लें। अब आ जाते हैं तरीके इस्तेमाल की तरफ के, जब आपने पाउडर बना लिया है तो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आपको रोज़ाना आधा चम्मच एक कप पानी में इसको पकाना है, पका के इतनी देर पकाना है कि आपका एक कप पानी हाफ रह जाए, आधा रह जाए, और इसको छानकर आपको सुबह नहार मुँह पी लेना है। फिर इसी तरीके से रात में सोने से पहले भी ऐसा ही इसको इस्तेमाल करना है, तो अल्लाह के फ़ज़ल करम से काफ़ी हद तक आपको इसके अंदर 10 ही दिन के इस्तेमाल से 50% रिजल्ट मिल जाएगा। कंटिन्यू 20 दिन इस्तेमाल करें, और वैसा भी कंटिन्यू अगर इसको इस्तेमाल करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा अल्लाह ताला ने इस नुस्खे में रखी है, तो बनाइए और इस्तेमाल कीजिए और इससे शिफा पाइए। फिर दूसरी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे एक नए नुस्खे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।